व्यवस्था विवरण अध्याय 23 कुल पद 25। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम्न हरैम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी से घृणा न करना क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आपसे आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खनती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उसको उसके स्वामी के हाथ ना पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर ना करना। इसराइली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और न इसराइलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज ना देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सभी में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसको पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत माने तो तेरा कोई पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे पुरुष की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना।
व्यवस्था विवरण अध्याय 23 कुल पद 25। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमन हरैम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु